ये जीवन मानव का, हम इसको जीवन समझ ही नहीं पाते और इसको ऐसे ही इधर उधर सोच विचार में अनेकों अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं। विचार जीव के दौड़ते रहते हैं। हमने बहुत चीज़ों को, वस्तुओं को इतना गहराई से अपना मान लिया कि हम उनसे चाह करके भी दूर नहीं हो पाते। अपने शरीर को अपना मानना ही अपराध बताया गया है। बहुत बड़ा रास्ते के अंदर रोड़ा बताया गया है, विघ्न बताया गया है। और शरीर तो बहुत दूर की बात है, हम तो सांसारिक पदार्थों को इतना अपना मान लेते हैं कि वही नहीं छूट पाते। बहुत लोगों के मन के अंदर सवाल पैदा हुए, कुछ ने आ करके प्रश्न भी किए कि मूर्तियों के बारे में आप ऐसे बोलते हो कि पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्या हम सनातन से दूर तो नहीं जा रहे? आप सब लोगों के मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते होंगे। कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते, कि कहीं हम इन चीज़ों से दूर हो करके आध्यात्म से दूर तो नहीं जा रहे? क्या सत्य का मार्ग यही है? मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, हम मूर्ति पूजा के खिलाफ भी नहीं हैं, और मैं मूर्ति पूजा से कभी मना भी नहीं करता। लेकिन थोड़ा समझ का अंतर है और समझने और समझाने का ही खेल है। मूर्ति अगर हम केवल माध्यम माने परमात्मा का, केवल मात्र ध्यान के लिए माने, या किसी कारण से उनको ध्यान किया जाए मंजिल न मान करके, तो कोई गलत नहीं है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, केवल ध्यान के लिए उसका प्रयोग किया जाए त्राटक के रूप में, ध्यान के रूप में, क्योंकि ध्यान पहले समझो आप मूर्ति का, इससे श्रेष्ठ जो ध्यान होता है वो प्रकाश का ध्यान होता है, नूर का ध्यान होता है, तेज का ध्यान होता है। इससे श्रेष्ठ समय का ध्यान होता है कि अपना ध्यान करें। इससे श्रेष्ठ जो ध्यान होता है वो गुरु का ध्यान होता है, क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया उनको। इससे जो श्रेष्ठ ध्यान होता है वो उस कण कण में जो परमात्मा है
जिसका अनुभव किया जा सकता है वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन हम ये न समझ करके मात्र ये मान ले कि मूर्ति का ध्यान करने से और मूर्ति की सेवा करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, स्वप्न में भी नहीं हो सकती। क्योंकि आपके घरों के अंदर जो मूर्तियां रखी गई हैं वो जागृत अवस्था में नहीं है, न उनको सिद्धों ने जागृत किया है, न उनके ऊपर शक्तिपात हुआ है, न उनके अंदर एनर्जी है, न शक्ति है। अगर शक्तिपात कर भी दिया जाए तो आप उनके अंदर शक्ति ठहरने नहीं दोगे, क्योंकि ना आपको नियम का पता है, ना रहस्य का पता है, ना कैसे क्या करना है इसका पता है। बस उनको के साथ अपने मन को जोड़ दिया है और मन माना आचरण करने लगे कि जैसे हमको भूख लगती है वैसे ही मूर्ति को भूख लगती होगी, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं वैसे ही जल ग्रहण ये भी करते होंगे, जैसे स्नान आप करते हो वैसे ही स्नान मूर्ति को करा दिया जाए। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि अगर वहाँ एनर्जी स्थापित कर दी जाए और उस मूर्ति के अंदर स्थापना हो जाए ताकत की, वो जुड़ाव कुछ अंश महसूस किया जा सके और उसको जल में डुबो दो या पानी से उसको नहला दो आपकी भाषा में, तो वो एनर्जी समाप्त हो जाती है, वो एनर्जी बह जाती है। फिर क्या बचा शेष? जो आपके घर पत्थर था वो लकड़ी, लोहा, तांबा, पीतल, धातुएं जिनकी वो बनाई जाती है वही शेष रहेगा।